सो वेलकम बैक गाइज। आज हम और एक ब्लॉग बनाने जाने वाले हैं। इस बार का ब्लॉग वाटरफॉल का ब्लॉग होने वाला है। एक सच में बहुत अच्छा वाटरफॉल है यहाँ पे, तो अभी हम जा रहे हैं। इस बार मैं और मेरा एक दोस्त है गौरव, तो हम दोनों मिलके जाने वाले हैं अभी वहाँ पे। तो सच में मज़ा आने वाला है, सो लेट्स गो। हम बचपन से, मैं जब भी गाँव आता था, हम लोग अच्छे दोस्त है बचपन से। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं खैदा ना। हाँ, सो ये वाटरफॉल खैदा नाम की एक जगह है, वहाँ पे वो वाटरफॉल है, उसका नाम भी खैदा वाटरफॉल ही है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, सो चलो। सो गाइस, जैसे आपने मेरे दो ब्लॉग्स में देखा, हम अभी ओजर जंक्शन पॉइंट पे खड़े हैं, जो ओजर वीडियो में दिखाया था हमने। ये मालवण आसरा रोड ही है, ये सीधा मालवण की तरफ जाता है, और लास्ट टाइम हमने सीधा गए थे। सो इस बार हमें खैदा की तरफ जाना है, तो हमें यहाँ से लेफ्ट लेके उस साइड जाना होगा, जो हमें वो रास्ता दिख रहा है, ये जो स्कूटी अभी साइड से गई, तो हमें उस साइड से आगे जाना है, और आगे जाके फिर वो रास्ता है। सो गाइज, अभी हम लोग खैदा पे पहुंच गए, जो ये जगह है जहाँ पे वाटरफॉल है, वहाँ पे हम पहुंच गए। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो रोड है, ये जो सीधा वहाँ पे जाता है, ये मालवण की तरफ जाने वाला रोड है, और बीच में से वो रोड दिख रहा है आपको जो अंदर जा रहा है एक, तो हमें वहाँ से अभी अंदर जाना है। सो ये अभी मेन पॉइंट है जहाँ खैदा है। सो गाइज, अभी हम फाइनली पहुँच गए वाटरफॉल पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वाटरफॉल का हेड है, यहाँ से नीचे गिरता है पानी, यहाँ से हमें अभी नीचे जाना है। तो अभी हम लोग बाइक ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स लगे हमें नॉन स्टॉप यहाँ पे आने के लिए। तो अभी चलो, लेट्स गो। अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो बोर्ड लगाया है, यहाँ से अभी हमें नीचे जाना है। तो स्लिपरी होता है, सो आते वक्त अच्छे शूज या ट्रैकिंग शूज या अच्छे प्रिकॉशंस लेके ही आना है। हम दोनों फाइनली आ गए यहाँ पे, और वाटरफॉल की आवाज की वजह से आपको हमारा आवाज नहीं आ रहा होगा। सो अभी आपको वाटरफॉल दिखाता हूं मैं। तो ये देखो, सच में बहुत अच्छा वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। बारिश के टाइम ये होता है बस, इसलिए बहुत अच्छा वाटरफॉल है। आपको इसके अभी क्लोजअप दिखाता हूं मैं। अगर आपको आवाज आ रही है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ के लोगों के लिए ये पवित्र भी है। इसलिए अगर आप कभी यहाँ पे आए, कभी विजिट किए, तो यहाँ पे ड्रिंक मत करना या कुछ कचरा मत फैलाना। ये जितनी अच्छी है उतनी अच्छी बनाए रखना। और यहाँ पे मैंने ऊपर आने से पहले बोर्ड भी दिखाया था, उसमें भी लिखा हुआ था कि यहाँ पे ड्रिंकिंग ये सब करने के लिए मना है, इसलिए यहाँ पे आके प्लीज ऐसा कुछ मत करना। और एक कहना है आपको, अगर आप यहाँ पे आए, तो प्लीज़ पानी में ज़्यादा जाने की कोशिश मत करो,
क्योंकि पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, हमें समझ में नहीं आता, पर ये पहाड़ों से आ रहा रहता है पानी सारा, और इसका फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए पानी में बिल्कुल भी जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे बह चुके हैं यहाँ से, और यहाँ पे कोई सेफ्टी या रेस्क्यू गार्ड भी नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ यहाँ पे इतना आके इतना ध्यान में रख। और एक बात कहनी थी मुझे, ये वाटरफॉल बस ये रेनी सीजन में, मतलब मई एंड से लेके अगस्त सितंबर तक ही चालू रहता है, इसके बाद जब बारिश खत्म होती है जैसे जैसे वैसे उसमें पानी नहीं रहता, तो ये बस रेनी सीजन वाला वाटरफॉल है, तभी से पानी रहता है, तो कभी आप आए तो इन्हीं महीनों के बीच में आना, ताकि आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो वाटरफॉल्स के यहाँ पे ये भी एक चीज़ रहती है जिससे आपको बच के रहना चाहिए, इसलिए पानी में नहीं जाना चाहिए। ये एक वाटर स्नेक है और ये वेनमस भी हो सकता है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही जाना है। आप कभी यहाँ पे आए तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके साथ छोटे बच्चे रहेंगे और बड़े लोग भी, क्योंकि यहाँ पे पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे स्टिल मूविंग वाटर है, यहाँ पे फोर्स नहीं है पानी का, तो बच्चों को और बड़ों को यहाँ पे आप लोग तैर सकते हो, तो यहाँ पे ही जाना अगर आपको तैरना हुआ तो, वरना मैं बोलूँगा कि आप मत ही आना, पर स्टिल आपको अगर तैरना होगा तो आप इधर ही रहो, क्योंकि उधर के पानी को बहुत ज़्यादा फोर्स है। तो फ्रेंड्स अभी ये मेरे पीछे जो पानी है ये कितना क्रिस्टल क्लियर है, ये देखने के लिए मैं आपको अंडर वाटर शॉट लेके दिखाता हूँ कुछ। फ्रेंड्स अभी आप ये देख सकते हो, ये एक केव टाइप है और यहाँ से पानी आ रहा है, तो ये सारा अंडरग्राउंड वाटर है, जो रेनफॉल का पानी होता है पहाड़ों में, तो ये अंडरग्राउंड वाटर है, और ये केव थ्रू को यहाँ पे एक उनको वे मिल गया नीचे जाने का उस पानी को, तो यहाँ से पानी नीचे आ रहा है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, ये खैदा वाटरफॉल पे आए थे हम, तो सच में बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, आने वर्थ जगह है ये। और एक कहना चाहूँगा, मैंने आपको जो प्रिकॉशंस बोले वो सब आप ध्यान में रखो अगर आप कभी यहाँ पे आए। और गौरव ने मुझे बहुत हेल्प की इस वीडियो में, हम साथ में उसमें मुझे शूट के टाइम भी बहुत हेल्प की, इसलिए थैंक यू सो मच। और एक कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और स्टे सेफ।